पतंग उड़ाना तो अभी कुछ नहीं हुआ ना, पतंग उड़ाना तो बैन नहीं हुआ है, इंशाल्लाह यूपी के अंदर हर छत पर अब पतंग उड़ेगी मुस्लिम इलाकों के अंदर। डीजे मुसलमानों अपनी हिस्सेदारी की बात करो, तुम्हारी कत्लो गारत की बात होती है, तुम्हें मरने की बात होती है, इन लोगों को सांप नहीं सूंघता, ये लोग एक ट्वीट तक नहीं कर सकते। के अंदर खड़े होकर वही धाड़ता है असदुद्दीन ओवैसी, चाहे बाबरी मस्जिद का मामला हो, जामिया का मामला हो, शाहीनबाग का मामला हो, अभी हरिद्वार के अंदर धर्म संसद का मामला हो। गांधी इशारा करेंगी तो बेटा तुम्हें बोलना है तो बोलोगे, मायावती इशारा करेंगी कुंवर दानिश अली साहब को बोलना है तो बोलोगे, समाजवादी वाले शफीकुर रहमान साहब पर को इशारा करेंगे बोलना है तो बोलोगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। चुनाव का डुगडुगी बज चुका है और उसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत जिस तरीके से सर्दी तो हालांकि बढ़ता जा रहा है लेकिन सियासी पारा गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। हर कोई पार्टी अपने जुगाड़ में है कि हम वहां पर जो है अच्छी सीट लाएंगे, 10 मार्च को अपना सरकार बनाएंगे और उसके बाद हर कोई दावा कर रहे हैं, हर कोई वादा कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर बारीकी से बात करने के लिए कासिम उस्मानी साहब हैं जो जामिया के छात्र लीडर हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरह से देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों की हिस्सेदारी लेने आ रहे हैं, चुनाव परिणाम अब जो है ऐलान हो गया है, चुनाव का तारीखों का ऐलान हो गया है, क्या लग रहा है आपको असदुद्दीन ओवैसी साहब का भविष्य क्या दिख रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में? देखिए, सबसे पहले मैं आपके अगर उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी, वहाँ की ज्योग्राफी, वहाँ के मुसलमानों के हालात के ऊपर बात करना चाहता हूँ तो पिछले 70 सालों में जितनी भी सरकारें आई हैं, चाहे समाजवादी की आए, चाहे बसपा के आए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की आए, हमेशा मुसलमानों का वोट लेना तो जानते हैं लेकिन जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है, मुसलमानों के साथ नाइंसाफियाँ होती है, मुसलमानों की बाबरी मस्जिद में कांग्रेस ताला तोड़ देती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है, इन तमाम लोगों को साफ सूंघ जाता है, उस वक्त हमारे पास एक ही उम्मीद रहती है, एक ही चेहरा रहता है, एक ही शख्स रहता है, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर वही धाड़ता है असदुद्दीन ओवैसी, चाहे बाबरी मस्जिद का मामला हो, जामिया का मामला हो, शाहीनबाग का मामला हो, अभी हरिद्वार के अंदर धर्म संसद का मामला हो। कहां थे अखिलेश यादव? बड़े मुसलमानों की वाहवाही लूटना चाहते हैं, मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं। कहां गई है मायावती? मायावती तो बहुत बड़ी अपने आप को मानती है ना कि मुस्लिम मसीहा हूं, एक महिला है, अभी महिलाओं के खिलाफ बुल्ली डील सुल्ली डील पर मामला उठा, हमारी मुस्लिम बहनों को जिन्होंने संघर्ष किया, रिवॉल्यूशनरी किरदार अदा करा, उनको बेचा जा रहा था, कहां थी मायावती? जब मुसलमानों के ऊपर बात आती है तो सांप सूंघ जाते हैं लेकिन जब 19.26% मुसलमानों का वोट नजर आता है तो मुसलमानों के बीच में मांगने आ जाते हैं वोट, लेकिन वोट मांगने के बाद हमेशा आजम खान हमें बना दिया जाता है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जिसने पूरे प्रदेश के अंदर यूपी के अंदर बसपा को मुसलमानों के घर घर तक पहुंचाया है, जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी से काम हो गया तो ठिकाने लगा दिए गए। इमरान मसूद साहब, उनको योगी अफजल मसूद कह देता है कि अफजल मसूद का भाई है, कांग्रेस कुछ नहीं बोलती, कौन बोलता यादव को? फिर भी तो लोग चाह रहे हैं ना सर, मुसलमानों का वोट तो जा रहा है ना, खिसक रहा है। देखिए, मुसलमानों को हमेशा गुलाम बनाकर रखा गया, हमेशा मुसलमानों के एजुकेशन पॉइंट की अगर आप बात करते हैं, अभी परसों ओवैसी साहब ने लखनऊ के अंदर सीडीपीपी के एक ऑर्गेनाइजेशन एक डेटा रिलीज करा, मुसलमान सिर्फ 4.4% ग्रेजुएट है। इसकी गलती है, ये गलती उन सरकारों की है और तमाम मैं मुसलमानों की मानता हूं कि आपने इनको क्यों चुना, आप हमेशा इनको वोट देते आ रहे हो और हमेशा अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हो, फिर आप उनके पाले में जाकर बैठ जाते हो। ओवैसी साहब क्या कर लेंगे 100 सीट पे? देखिए, ओवैसी साहब अगर आप हैदराबाद की बात करें, आप बिहार की बात करें और आप पार्लियामेंट के अंदर बात करें, हैदराबाद का कभी आप तारीख उठाकर देखिए, हैदराबाद की हिस्ट्री उठाकर देखिए, ये जो गुजरात मॉडल चिल्लाते हैं, कभी हैदराबाद मॉडल उठाकर देखिए, जो मीडिया आपको कभी नहीं दिखाता, ये बिकाऊ और गोदी मीडिया हमेशा गुजरात मॉडल के चर्चे करता है, कभी हैदराबाद सवाल पूछे तो गोदी मीडिया बना देते हैं। वो जमहूरियत जिस तरीके से बातचीत की जाती है, हिस्सेदारी की बातचीत की जाती है, अखिलेश यादव कह रहे हमारी सरकार 10 मार्च को आने वाली है, मायावती कह रही है, बीजेपी कह रही है, असदुद्दीन ओवैसी साहब की क्यों पीछे हट रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी साहब पीछे नहीं हट रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब खुले तौर पर कह रहे हैं कि अखिलेश अगर सरकार में तुम्हें सीटें कम पड़ी ना तो बच्चों की तरह रोना मत, दारुस्सलाम चले आना, हम तुम्हें दे देंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब एक हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो उनके ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं कि भड़काऊ भाषण, अगर हाँ मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात करना, मुसलमानों के हक की बात करना, अगर भड़काऊ भाषण है तो हमें चाहिए ऐसे भड़काऊ भाषण जहां मुसलमान जागे, मुसलमान अपनी हिस्सेदारी मांगे। क्या करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में अगर जीतते हैं सीटें? सीएम चेहरा कौन होगा और सारी बहुत सारी चीजें हैं, स्कूटी दे रही हैं, अब लड़की हूं तो लड़ सकती हूं कि नारा दे रही हैं, और उसके बाद अखिलेश यादव भी वहां पर जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब पर तंज कस रहे हैं, अगर वो आते हैं उत्तर प्रदेश में तो हमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मुसलमानों का वोट तो काट रहे हैं ना सर। मैं आपको एक डेटा अगर दिखाना चाहूं कि मेरे पास पूरा डेटा है कि यूपी के अंदर 50 सीटें पिछले 2017 के चुनाव में ऐसी हैं जहां अखिलेश और मायावती की वजह से 50 सीटें बीजेपी जीती है, आप देवबंद
का एग्जाम्पल ले लीजिए ना, देवबंद के अंदर बीजेपी को 1,00,000 वोट मिला, मावियाली साहब देवबंद से समाजवादी के कैंडिडेट थे, 55,000 वोट वो काट गए, बसपा के 75,000 वोट माजिद अली साहब ले गए, 1,30,000 वोट तो बर्बाद हो गया। जीता कौन, कौन जीता? बीजेपी। 1,00,000 वोट लेकर बीजेपी जीत गई। जो मुसलमानों को और ओवैसी साहब को वोट कटवा कहते आ रही ना समाजवादी पार्टी, ये डरने लगी है, क्योंकि बंधवा मजदूर मुसलमानों को मानती थी कि मुसलमान बेचारा हम इनको ई रिक्शा दे देंगे। हम मुसलमानों को ई रिक्शा नहीं, शिक्षा चाहिए, रोजगार है ना, वो क्या चीज रोजगार, रिक्शा चलाना। आप 4.4% ये देख रहे हैं कि सिर्फ ग्रेजुएट है, 71.2% मुसलमान इलिटरेट है। किसकी गलती है? ओवैसी साहब की। ओवैसी साहब ने मुसलमानों को तालीम से दूर रखा। ओवैसी साहब आए हैं ताकि मुसलमान शिक्षा में आए। जिस तरह आज हैदराबाद का मुसलमान एक डिपेंडेंट सेल्फ डिपेंडेंट होकर लड़ रहा है, क्या क्या औकात है? ये बीजेपी वाले नरेंद्र मोदी साहब, योगी आदित्यनाथ साहब, वजीर दाखिला अमित शाह साहब पूरी ताकत लगाकर अपने तमाम वजीर आलाओं को पूरे हिंदुस्तान से लेकर हैदराबाद में म्यूनिसिपल का चुनाव लड़ने गए। अभी तो धमका रहे हैं ना उत्तर प्रदेश में जाकर, आप कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे, योगी आदित्यनाथ सीएम नहीं रहेंगे तो कौन बचाएगा? देखिए, योगी आदित्यनाथ साहब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पिछले 7 साल का कार्यकाल रहा है, इतनी तरीके से मुसलमानों के ऊपर जुल्म हुआ है। मुसलमान तो पिछले 70 साल से झेलता आ रहा है। कांग्रेस ने 60,000 दंगे दे दिए, अब आज क्या हो रहा है? आज खुले तौर पर आपको गोली मार दी जाती है। आज योगी आदित्यनाथ को वैसे साहब क्या कहते हैं कि ठोक मारो सरकार है, कि जहां मिला ठोक दो, जहां मालूम गोली मार दो। और वो आदमी खत्म नहीं करेंगे क्या? गुंडा मवाली को मारा नहीं जाएगा तो क्या? देखिए, एक शख्स जिसके ऊपर खुद गुंडागर्दी के इल्जाम इतने लगे हो, जिसके ऊपर खुद मार कत्लो गारत के इल्जाम लगे हो, अगर वो आज वजीर आला चढ़कर बनकर बैठ गया हो तो उसके मुंह से जबान अच्छी नहीं लगती कि मैं गुंडागर्दी खत्म कर रहा हूं। कहां गुंडागर्दी खत्म कर दी? यूपी के अंदर एंटी सीए मूवमेंट में 21 नौजवानों को मार दिया गया, संभल के, बिजनौर के, सुलेमान को मार दिया गया, सराम गोली मार दी गई। क्यों इंसाफ नहीं मिलता? यही तो सवाल है ओवैसी साहब का कि तुम्हें इंसाफ दिलाने आ रहा हूं, अखिलेश यादव क्यों नहीं बोलते? ये प्रियंका गांधी तो बड़ा बोल रही है अभी कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। अरे मुसलमानों ने, जिन्होंने तुम्हें सत्ता दी, 65 साल तुम्हें बिठा कर रखा, मुसलमानों को वोट तुमने हासिल करा, अरे मुसलमानों के लिए क्यों नहीं बोल रही हो? अभी धर्म संसद में आप क्यों नहीं हड़ताल करी? अखिलेश यादव ने क्यों नहीं हड़ताल करी? प्रियंका गांधी ने कि जिन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी, अगर ये स्वामी लोग जितने हैं जिन्होंने मुसलमानों को मारने की काटने की धमकी दी है, इनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो हम धरने पर बैठे रहेंगे क्यों? ये सवाल है। यही ओवैसी साहब सवाल कर रहे हैं पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक कि मुसलमानों अपनी हिस्सेदारी की बात करो, तुम्हारी कत्लो गारत की बात होती है, तुम्हें मरने की बात होती है, इन लोगों को सांप नहीं सूंघता, ये लोग एक ट्वीट तक नहीं कर सकते। आजम खान को लेकर आप सियासत करते हैं, आजम खान को लेकर, आजम खान को जेल में रखना है तो बीजेपी को वोट कीजिए। देखिए, आजम खान साहब जो एक दबंग नेता माने जाते थे यूपी के, और तमाम एमआईएम के लोग, हर मुसलमान लीडर की इज्जत करता है, एमआईएम वाला क्या कहता है कि वो तुम्हारा प्लेटफॉर्म नहीं है, तुम वहां गुलामी नहीं करोगे, आप मायावती के पैरों में नहीं बैठोगे, आप अखिलेश यादव के स्टेज से धक्का नहीं खाओगे। अरे ये तुम्हारे स्टेज है, कंधे पर आकर बैठो, सियासत करो। आप पार्लियामेंट के अंदर बात करते हैं, 27 मुसलमान सांसद हैं, कितने? 27। दो मजलिस के हैं एमआईएम के, इम्तियाज जलील साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब। ट्रिपल तलाक की बात आई, कौन सा मुस्लिम सांसद खड़े होकर बोल दिया? क्योंकि उनको सोनिया गांधी के नोटिस का इंतजार रहता है, सोनिया गांधी इशारा करेंगी तो बेटा तुम्हें बोलना है तो बोलोगे, है मायावती इशारा करेंगी कुंवर दानिश अली साहब को बोलना है तो बोलोगे, समाजवादी वाले शफीकुर्रहमान साहब पर को इशारा करेंगे बोलना है तो बोलोगे। ये ओवैसी साहब की पार्टी के अंदर नहीं है, ओवैसी साहब पार्टी के मालिक हैं। वो ओवैसी साहब एक एमपी से लेके छोटे से कार्यकर्ता तक बोलता है कि हमें हक चाहिए, हमें हिस्सेदारी चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, और मुसलमान मुद्दों पर बोलते नजर आते हैं आपको। चलिए, आखिरी सवाल होगा। अब चुनाव आयोग का जो है तारीखों का ऐलान हो गया है, 10 मार्च के लिए रिजल्ट आने हैं, आप कैसे कैंपेनिंग करेंगे, कैसे लोगों को रिझाएंगे, मीम में किस तरह से लोगों को लाएंगे? देखिए, डिजिटल कैंपेनिंग की बात करते हैं, पतंग उड़ाना तो अभी कुछ नहीं हुआ ना, पतंग उड़ाना तो बैन नहीं हुआ है, इंशाल्लाह यूपी के अंदर हर छत पर अब पतंग उड़ेगी मुस्लिम इलाकों के अंदर। डिजिटल कैंपेनिंग की पतंग उड़ाने से सर वोट नहीं ना मिलेगा, मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे, डिजिटल कैंपेनिंग की बात कर रही है, लोग ये शोशे उड़ा रहे हैं कि बीजेपी जो है सबसे मजबूत है डिजिटल कैंपेनिंग के अंदर, आप कहां से लाएंगे डिजिटल कैंपेनिंग? तो याद रखिए, पिछले 5 सालों का जो योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल रहा है, उन 5 सालों में कोई डिजिटल मौतें नहीं हुई है, कोरोना कोई डिजिटल नहीं आया कि मोबाइल के अंदर कोरोना आ गया, वैक्सीन आपको कोई डिजिटल नहीं मिली है, आपको जो ऑक्सीजन कोई डिजिटल नहीं मिला है। तो ये वर्चुअल हो या फिजिकल हो, कुछ भी हो, मुसलमानों के जो मुद्दे हैं वो जिंदा रहेंगे, वो डिजिटल, वर्चुअल और फिजिकल से उसको कोई लेना देना नहीं। मुसलमानों ने ठान लिया हमें अपना नेता चुनना है। आज देखिए समाजवादी से आज ही की खबर है, RLD समाजवादी के बड़े बड़े नेताओं का टिकट कट रहा है तो ओवैसी की तरफ आ रहे हैं। ये बातें याद रखिए, मैं भी आज से 2 साल पहले आम आदमी पार्टी का छात्र नेता था और जामिया मिल्लिया इस्लामिया का छात्र संगठन का उपाध्यक्ष था, लेकिन उस दौर में भी पार्टी के अंदर रहते हुए भी मैं ओवैसी साहब के हक में वोट करता था, ओवैसी साहब के लिए मैं आवाजें उठाता था, ओवैसी साहब की पोस्ट में फेसबुक पर शेयर करता था। क्यों?
चाहे मुसलमान किसी भी पार्टी हो, समाजवादी में हो, बसपा में हो, आम आदमी पार्टी में हो, कांग्रेस में हो, दिल में उसके ओवैसी बसता है, क्योंकि ओवैसी हक की बात बोलता है। अभी जमीरुल्लाह साहब को धक्का दिया गया स्टेज से, जमीरुल्लाह साहब ने अगले दिन इंटरव्यू दिया कि मुझे बहुत अफसोस हुआ, मैं चाहता हूं कि मुसलमानों को हिस्सेदारी मिलने चाहिए। तो याद रखिए, मुसलमानों के साथ छला गया है उत्तर प्रदेश के मुसलमान। अरे भाई आप डेटा उठाकर देखिए, छला नहीं गया है, मुसलमानों को दबोचा गया है, मुसलमानों को बंधुआ मजदूर बनाकर रखा गया, यही डेटा है ना आपका। ब्राह्मण 10% है यूपी के अंदर, कितने मुख्यमंत्री दिए 6, क्षत्रिय 8.5% है, कितने मुख्यमंत्री दिए 5, यादव 8.5% है, कितने मुख्यमंत्री दिए 3। अरे भाई हम क्या रोटी फेंकने के लिए हैं? मुसलमानों का वोट लोगे, मुसलमानों की हिस्सेदारी नहीं दोगे? बड़े शोर मचाते हैं, हमने आजम खान को 9 मंत्रालय दिए थे। अरे अगर आजम खान को 9 मंत्रालय दिए थे तो कम से कम 9 दिन तो आजम खान के लिए हड़ताल कर लेते। ये 20% मुसलमान जो है हमेशा 70 सालों में इनको मुस्लिम यादव, मुस्लिम यादव, एम वाई समीकरण की बात करते हो। अरे एम वाई समीकरण में एम कहां है, एम लीडर कहां है? मतलब लीडर वाई होगा, वोटर एम वाई दोनों होगा। अगर एम वाई समीकरण आपको चाहिए तो लीडरशिप में भी एम वाई। मुसलमानों को तो टिकट दे रही है, कांग्रेस दे रही है, सपा दे रही है, बीएसपी दे रही है, मुसलमानों को टिकट दे रही है, लेकिन उनकी जबानों पर तो ताला डाल रही है। इसकी तो बात सोचिए आप, यही तो लड़ाई है कि उन पार्टियों में रहकर भी आप अपनी कौम के लिए आवाजें नहीं उठा सकते, उन पार्टियों में रहकर भी आप अपने लोगों को जेलों से नहीं छुड़वा सकते, उन पार्टियों में रहकर भी आप इतने लोग नौजवान यूएपीए में जेलों में बंद है। कौन सा सांसद बोल गया बाबरी मस्जिद पर, कौन सा सांसद बोल गया कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है? बताइए कौन से 25 मुस्लिम सांसद जो और पार्टियों के बैठे हुए, कौन बोला उसके ऊपर? ये भी सुल्ली बुल्ली डील का मामला होता है, ये भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, कौन सी पार्टी ने बोल दिया? एक बार बसपा के कुंवर दानिश अली साहब ने खड़े होकर क्या स्टैंड ले लिया पार्लियामेंट में? उनको लीडरशिप से हटा दिया पार्लियामेंट के मायावती साहब ने। क्यों? यही तो लड़ाई है, हक बोलो, सच बोलो और आप तरक्की करते जाओ, यही एमआईएम की निशानदेही और एमआईएम यही चाहती है। चलिए बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ कासिम उस्मानी साहब थे जो जामिया के छात्र लीडर हैं, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारी के अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में अब हर छत पर पतंग उड़ेगी और आने वाले समय में जो है किंग मेकर की भूमिका भी निभाएंगे। दिल्ली से द इंडिया टीवी के लिए सद्दाम करीमी की रिपोर्ट। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।